Hello everyone, welcome to my channel. This is our first video. Today we discuss about structure of DNA. Before the starting video, please subscribe my channel. Let's discuss about the structure of DNA. Double-stranded RNA or DNA that are represented into shorthand form, that horizontal line indicates the carbon chain of a sugar with base attached to a C1. Near the middle of that horizontal line, there is a C3 phosphate linkage, and end of this horizontal line there is a C5 phosphate linkage. Okay. In this, the double-stranded RNA and double-stranded DNA that are strongly follow the Chandra's rule, that are 1:1 ratio of purines and pyrimidines. There are also the single-stranded DNA and RNA. They are not open to Chandra's rule, but there are also the, however, double-stranded RNA as a genetic material in certain viruses also to satisfy the Chandra's rule. Okay. The DNA double helix. This is salient feature of Watson and Crick model of DNA, now known as a pDNA. Acceptable structure of DNA double helix जो उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, इसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था. जो DNA डबल हेलिक्स इज अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स दैट कंटेन टू पॉलीडीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड चेन. दे आर ट्विस्टेड अराउंड टू ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस. ओके. दिस two polydeoxyribonucleotide chain are anti-parallel to each other. Like one strand is around 5' to 3' direction and another one is a 3' to 5' direction. जो road होता है two way में, यहाँ से यहाँ वाला और यहाँ से वहाँ वाला, just like that. Okay? जो length है हमारे double helix की वो है 20 angstrom. ओके. जो एक हेलिक्स का वन टर्न है, वन पेज ऑफ टर्न, वो है 34 एंगस्ट्रॉम. दैट कंटेन 10 न्यूक्लियोटाइड पेज. इन डिस्टेंस ऑफ दैट टू पेज आर 3.4. टेन का एक टर्न है जो हेलिक्स का, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स है जो एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में है. ठीक है. ये दो जो पेयर है वो एक दूसरे से 36 डिग्री के ऐसे एंगल में है. ठीक है. जो एक है 36 डिग्री के एंगल में है और ऐसे 10 है. इसका मतलब ये एक पूरा टर्न है वो 360 डिग्री पे घुमा हुआ है. ठीक है. ओके. ईच स्ट्रेन कंटेन हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीरिबोस फॉस्फेट बैकबोन आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक बेसिस आर इनसाइड. ठीक है. दिस टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, या कोई ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ड्यू टू दिस बेस पेयर्स. ये बेस पेयर्स
एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स के बीच में ही ओनली हो सकता है, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन। ठीक है, इफ टू प्यूरिन्स आर फेस्ड ईच अदर दैट नॉट अलाउ द स्पेस टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टू पाइरिमिडिन्स आर फार टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर आर स्पेशल कंसिडरेशंस इज कि ए डबल बॉन्ड डी, सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जी, दिस इज स्पेशल कंसिडरेशन। चार्टर्स का रूल है कि एडेनाइन इज इक्वल टू डेट द थायमाइन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू डेट द ग्वानाइन, दैट फॉलो स्ट्रॉन्गली द चार्टर्स रूल 1:1:2। ओके, द जेनेटिक मटीरियल डिसाइड्स ऑफ द वन ऑफ द टू स्ट्रैंड दैट नोन एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और सेल स्ट्रैंड and another one that is complementary to the template strand is known as the anti-cell strand, okay? और यहाँ पर दो grooves हैं, the narrow minor groove and wide major groove. जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए डबल हेलिक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं यहाँ से विदाउट डिस्टर्बिंग द डीएनए डबल हेलिक्स एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द पेयर बेस पेयर्स। ओके, प्रोटीन यहाँ से इंटरेक्ट करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द डीएनए डबल हेलिक्स एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द बेस पेयर्स। ओके, चलो वापस हम ये रिकैप कर लेते हैं। वॉटसन और ग्रीन का वॉटसन ग्रीन मॉडल है वो डीएनए, जो उन्होंने सब डीएनए, इसकी डीएनए इज अ डबल हेलिक्स दैट कंटेन टू पॉली डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड चेन जो एक दूसरे के ट्विस्टेड अराउंड है और कॉमन एक्सिस से। ओके, इसकी भी ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, वन स्ट्रैंड इज 5' टू 3' डायरेक्शन, सेकंड वन रन 3' टू 5' डायरेक्शन। ओके, इसकी वीथ है 20 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न है पूरा हमारा 34 एंगस्ट्रॉम का, इस टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स है जो एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, एक पूरा टर्न 360 डिग्री ऊपर के ऊपर घुमा हुआ है प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री से है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है ड्यू टू द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। चार्टग्राफ के रूल का क्या है कि एडेनिन है इक्विवेलेंट टू थायमाइन एंड साइटोसिन इक्विवेलेंट टू ग्वानिन, इसमें दो ग्रूव्स है माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, जो प्रोटीन होते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द डीएनए डबल हेलिक्स एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ओके, वो यहां से इंटरेक्ट करते हैं हमारे डबल डीएनए डबल हेलिक्स के साथ। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।